नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की हड़ताल, सरकार से नाराज कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पुलिस की कार्यवाही पर उठे सवाल, झूठा प्रकरण दर्ज करने का पुलिस पर आरोप, निर्दोष को बेवजह एमडी ड्रग्स मामले में किया था गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज का अलीराजपुर दौरा रद्द, कांग्रेस ने कहा बेरोजगारों से डर गए शिवराज, दौरे का बेरोजगार युवाओं ने किया था जमकर विरोध। मध्य प्रदेश के इंदौर में विगत दिनों पहले सिंडिकेट कार्यालय पर एक बैठक हो रही थी। इस बैठक के दौरान शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चिंटू ठाकुर और सतीश भाऊ को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस आरोपियों की अवैध गतिविधियों को चिन्हित कर खत्म करने की कार्यवाही भी कर रही है। इसी कड़ी में शराब कारोबारी पिंटू भाटिया और ए के सिंह को आरोपी बनाने को लेकर घायल अर्जुन ठाकुर ने गृह मंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसके चलते पुलिस ने दोनों को आरोपी घोषित भी कर दिया है। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी का कहना है कि ए के सिंह और पिंटू भाटिया के नाम पहले भी कई एफआईआर में दर्ज हो चुके थे, साथ ही गोलीकांड मामले में भी नामजद आरोपी बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। जो शराब का मामला है उसमें जो दो लोगों की बात कर रहे हैं आप, वो पहले से ही एफआईआर में अपराधी हैं। वो इसके अलावा हम लोगों ने और भी लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। अभी इनको चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन साथ में थे। इसमें अभी और भी आरोपी बढ़ेंगे और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने इसमें टोटल आरोपी? अभी इसमें कुल मिलाकर 12 आरोपी नामजद हो चुके हैं। और भी आरोपियों की पहचान की जा रही है, जो इसमें आगे और पीछे रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग कड़ी कार्रवाई अभी कर रहे हैं। इसमें आहतों को लेकर हो या अन्य जो चीज़, जिसमें ये सतीश नाम का जो आरोपी है, सतीश भाव जिसको कहते हैं, इसके क्या क्या अवैध यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसमें से एक प्रमुख गतिविधि चिन्हित की गई थी शराब आहतों की, तो इस संबंध में उसमें आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर एटीएम मशीन से पैसे निकालने की घटनाएं भी बार बार सामने आ रही है। बता दें कि पहले भी इंदौर के कई थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया। हाल ही में ऐसा एक मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से सामने आया। यहां बदमाशों ने एटीएम मशीन से कारस्तानी कर पैसे निकालने की घटना को अंजाम दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। पुलिस की अगर माने तो हरियाणा के मेवात गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये जून महीने की बात है, जिसमें राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में भी एक एटीएम की सीडीएम मशीन से उस कुछ अपराधियों ने पैसे निकाल लिए थे। और इसी तरह की घटना सराफा थाना क्षेत्र अंतर्गत भी हुई थी। यही घटना उसी दिन अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में भी हुई थी, लेकिन चूंकि इसकी रकम जो थी, राशि थी, वो कम थी, इस कारण से बैंक वालों ने उस पर उस टाइम पर संज्ञान नहीं लिया था। और ये परसों इसकी कायमी हुई है। हम लोग लगातार इसकी पता राशि कर इसमें हम खुलासा करेंगे। सर लगभग कितने की धोखाधड़ी है? ये 20,000। सर क्या सर सीसीटीवी फुटेज में सर क्या सामने आया? अभी फुटेज का मिलान करेंगे, ये एक ही गैंग है। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है। गौरतलब है सरकार को पहले ही इसकी चेतावनी दे दी गई थी। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से भेंट कर अपनी मांगों के निराकरण हेतु उनसे चर्चा की। उसके बाद संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों में पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंजीनियर एसोसिएशन आदि विभागों और योजनाओं के कर्मचारी अब हड़ताल पर रहने वाले हैं और ये हड़ताल का जो असर है वो इन कार्यालयों पर, शासकीय कार्यालयों पर नजर भी आने लगा। कार्यालयों पर ताले लगे मिले, जिससे लोग परेशान होते नजर आए।
संयुक्त मोर्चा द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों के सामने टेंट और बैनर लगाकर अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। अलीराजपुर जिला मीडिया प्रभारी विजय सोनी ने मीडिया से ये पूरी जानकारी साझा की। मैं जनपद में उप यंत्री के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम लोग यहाँ पर संयुक्त मोर्चा संगठन की तरफ से सब लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की कुछ मांगे हैं जो शासन स्तर से अभी तक लंबित है, तो हम लोगों का यही चाह रहे हैं कि इस हड़ताल पर हमारे जितने भी संयुक्त मोर्चा संगठन के सभी विभागों की जो मांगे हैं वो शासन स्तर से सुनी जाए और वो पूरी की जाए। हम लोगों की कुछ मांगे हैं, मनरेगा एक मांग आधारित योजना है जिसमें मजदूरों द्वारा मांग की जाती है और पंचायत द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है। संगठन के द्वारा 1920 तारीख को एक आवेदन दिया गया था जिसमें 2 दिवस का सामूहिक अवकाश लिया गया, जिसमें शासन को यह निवेदन किया गया था कि हमारी जायज मांगे यदि 19 एवं 20 तारीख तक पूर्ण नहीं होती है तो 23 तारीख से हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग आज प्रदेश स्तरीय ग्रामीण विकास विभाग के संगठन के माध्यम से आदेशित किए जाने के पश्चात एक सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 संगठनों के द्वारा सबकी जायज मांगे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हमें ज्ञापन के रूप में प्रेस। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर मगरखेड़ी 17 कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र के सामने बुधवार शाम को झाड़ियों के बीच में एक युवक की लाश मिली। यह लाश अर्धनग्न पाई गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर खलटाका पुलिस चौकी पहुंची। बीट प्रभारी NS मंडलोई ने लाश की शिनाख्त की और बताया कि युवक निमरानी का रहने वाला है। मृतक का नाम दद्दू है और उसकी उम्र 25 वर्ष थी। पुलिस के मुताबिक मृतक के परिजनों ने बताया कि बगैर बताए युवक कहीं चला गया था। प्रभारी मंडलोई ने भी यही कहा कि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपर्द कर दिया गया। इंदौर पुलिस MD ड्रग्स मामले में देश भर में वाहवाही लूट चुकी है। अब पुलिस के पास अपने ही एक अधिकारी की शिकायत लेकर एक महिला पहुंची। महिला का आरोप है कि उसके पति को पुलिस के अधिकारी ने गलत ढंग से MD ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और वाहवाही लूट चुकी पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ये मामला है महेश्वर थाने का। महिला महेश्वर थाना प्रभारी के नाम शिकायत दर्ज करने पहुंची थी, जिसमें महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसके निर्दोष पति को बेवजह MD ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया। महिला का नाम नीतू जैन है, जो शहर के आला अधिकारियों के पास अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए दर दर भटक रही है। महिला ने मीडिया से चर्चा की और बताया कि 14 तारीख की शाम को उसका पति घर से बाहर दूध लेने के लिए निकला, जिसके 2 घंटे बाद जब पति घर नहीं पहुंचा तो महिला ने उसकी तलाश करना शुरू कर दी। जब महिला देवास नाके वाइन शॉप के सामने पहुंची तो उसकी चप्पल यानी कि पति की चप्पल महिला को नजर आई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में ढूंढने के बाद महिला ने लसूड़िया थाना पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। पड़ताल करने पर देवास नाके के CCTV फुटेज खंगाले गए तो पाया गया कि एक बुलेरो कार जिस पर नंबर नहीं था उसके पति को आंखों पर पट्टी बांधकर उठाकर ले गई। 19 तारीख को पति का फोन आया तो पता चला कि महेश्वर पुलिस उन्हें लेकर चली गई है। पुलिस ने महिला के पति को महेश्वर थाने पर कार्यवाही करते हुए 130 ग्राम MD ड्रग्स में आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया। अब महिला ने महेश्वर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि उसके पति से थाना प्रभारी ने पहले भी 2.5 लाख रुपए की मांग की है, वो नहीं दे पाया तो उसके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर उसे जेल भेज दिया गया। क्या हुआ था? 14 तारीख के रोज शाम को 6:30 बजे मेरे हस्बैंड घर से बाहर गए थे दूध और कुछ सामान लेने के लिए। फिर वो नहीं आए, 2 घंटे बाद मैंने उनको फ़ोन लगाया, फिर उनको ढूंढने निकली मैं तो नहीं मिले। देवास नाके पे वाइन साहब के सामने चप्पल मिली उनकी, फिर मैंने पूरे सब दूर के थानों में उनको ढूंढा, आसपास ढूंढा, नहीं मिले। दूसरे दिन 15 तारीख को मैंने उनकी रिपोर्ट लिखवाई पुलिस ने सब दूर, CCTV कैमरे में सब दूर आया कुछ भी, मतलब गाड़ी एक बोलेरो गाड़ी थी
जिसमें बिना नंबर की प्लेट की, उनको उठा के ले गई, हाथ पर पट्टी बांध के और हाथ बांध के। महेश्वर पुलिस उनको 5 दिन तक रखा, बहुत मारा, करंट लगाया है। कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बताया पुलिस वालों ने पैसे मांगे। जब पुलिस वालों को मालूम पड़ा कि केस दर्ज हो गया तो उन्होंने 130 ग्राम माल उनके पर जब्ती रख दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 जुलाई को अपने एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा में आजाद को नमन करने आने वाले थे, लेकिन सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बावजूद बुधवार शाम अचानक उनका दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश पटेल ने आरोप लगाए शिवराज के लिए, आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान डर गए क्योंकि 23 जुलाई को कांग्रेस पार्टी जैसे कार्यकर्ता और बेरोजगार युवक उनका विरोध करने वाले थे, जिससे डर कर शिवराज सिंह चौहान ने अपना दौरा ही रद्द कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जितना खर्चा उनके आने पर यहाँ किया जा रहा है, अगर उतना ही खर्चा विकास कार्य में किया जाता तो तस्वीर कुछ और ही होती। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल ने महेश पटेल के सारे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई का मुख्यमंत्री का दौरा, आजाद नगर का दौरा पहले भी निश्चित नहीं था, मुख्यमंत्री जी का दौरा अगले कुछ दिनों में हो सकता है। भाजपा की ओर से 23 जुलाई को अलीराजपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव, सांसद गुमान सिंह डामोर और जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं और भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। शिवराज सिंह जी चौहान का जो दौरा था 23 जुलाई को, जो कि आजाद कुटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि कांग्रेस, बेरोजगार युवा और जय संगठन उनको और कई कर्मचारी घेरने की मांग, सभी लोग घेरने की कोशिश करने की थी, लेकिन शिवराज सिंह जी ने डर के मारे दौरा निरस्त किया। और जो कि भाभरा, आजाद नगर और बलझर में करोड़ों रुपए का वाटर प्रूफ जो खर्चा किया है, इससे तो विकास में अगर करते तो आज भाभरा का विकास बढ़िया हो जाता। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज़।